देखो अभी तुम ऐसा बोलता है ना, इसलिए दया बहन बोलती है। नहीं लवली बताओ, दया बहन क्या बोलती है? वो आपको कंजूस बोलती है। ओहो भाई, कंजूस? और मैं? माता जी, बीड़े बेटे मेरे लिए ऐसा बोला और क्या बोला? जाने दीजिए मैडम, जाने दीजिए, आपको बहुत दुख होगा। नहीं नहीं लवली, एक साथ जितना दुख देना हो उतना दे दे। पता तो चले भीड़े बहन के मन में मेरे लिए कितना जहर भरा हुआ है। बोल लवली बोल, क्या बोला उन्होंने? वो बोली कि आपको पैसे का बहुत घमंड है। क्या तुझे मैं ऐसी लगती हूँ? बोलना, बोल, चुप क्यों है? नो मैडम नो, वो हम नहीं, वो तो भीड़े भाभी बोला। आप तो बहुत अच्छी है। अच्छा दया भाभी, हमारा मोबाइल का बिल भरने का आखिरी तारीख है, 4,000 रुपया मिलेगा? लो। भाड़े का अर्जेंसी नहीं होता तो हम आपसे कभी भी पैसा नहीं मांगता मैडम। अच्छा वो सब छोड़ो, मुझे ये बता बबीता ने क्या बोला? अभी छोड़ो ना मैडम, देखो आप हमारा हेल्प किया, अभी हम आपके बारे में गलत बोलेगा तो गॉड भी हमको पनिश करेगा मालूम? ओ कम ऑन, भाव मत खाओ, तुम थोड़ी बुरा बोल रही हो। बबीता ने जो बोला वो बताओ। बोला कि डॉक्टर हाथी के पास सचमुच का डिग्री है कि वो चोर बाजार से खरीदा। क्या अय्यर मेरा हस्बैंड नहीं ड्राइवर है, कोमल भाभी ने तुमसे ऐसा कहा? वही तो, ऐसा नहीं बोलना चाहिए था ना। पता नहीं किस बात का उसको इतना घमंड है, मैं अभी जाकर उससे बात करती हूँ। देखो 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 मैडम, देखो हमने अपना समझ के आपको बताया ना, अभी आप उसको पूछने जाएगा तो गलत है ना। जल्दी से घर पर आ जाओ। अरे हो डॉक्टर आदि, कैसे हैं आप? हाँ मैं तो ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं बहुत अच्छा हूँ। अच्छा तबीयत? अच्छा निकले हम लोग? हाँ चलो। हाँ हाँ चलते हैं। क्या वैसे तुम्हारी बात मैं मान नहीं सकती कि रोशन भाभी ने मेरे लिए ऐसा कहा? देखो मैडम, हमको जो पता था हम बोला आपको, तुमने मुझे बताया वो बहुत ठीक किया, पर रोशन ने ऐसा क्यों कहा? वो हमको पता नहीं। अच्छा मैडम, हमको आपसे एक काम था। हाँ बोलो ना। वो एक 3,000 रुपया चाहिए था। क्यों? वो कुछ पर्सनल काम था। देखो लवली, तुमने हमारे यहाँ अभी अभी काम शुरू किया है और ऊपर से 1 महीने का एडवांस पगार ले चुकी हूँ, और अब मैं तुम्हें 3,000 दूँ? इट्स नॉट पॉसिबल फॉर मी, आई एम सॉरी। लगता है ये आटे में नहीं आएगी, अब बाकी के पैसे मुझे रोशन भाभी से ही लेने पड़ेंगे। अच्छा किया लवली तूने बता दिया, मैं तो अंजलि भाभी से बात ही नहीं करूंगी, बड़ी लीडर बनी फिरती है। भाई साहब ये टमाटर कितने के दिए? 22 रुपए किलो। 22 रुपए? 20 रुपए के दीजिए, स्टेशन पर तो 20 रुपए के मिलते हैं। दया बहन बस भी कीजिए ना, अरे क्या 2 रुपए के लिए रक्षक करती है? अरे अंजलि भाभी भाव तोल करना पड़ता है, वरना कुछ लोग ऐसा समझते हैं कि हमारी दुकान में 2 नंबर के पैसे आते हैं। आप मुझे देखकर क्यों बोल रही हो? आपने भी तो मुझे कंजूस कहा था। क्यों भूल गए? ओ कम ऑन, आप लोग इतनी सी बात पे झगड़ा क्यों कर रहे हो? अच्छा ओहो, आपके मुंह से ना ये भली बातें बिल्कुल नहीं अच्छी लगती है। आपने कहा था ना कि अय्यर मेरे हस्बैंड नहीं ड्राइवर है। एक्सक्यूज मी, तो तुमने भी तो कहा था कि मेरी पति की डिग्री चोर बाजार से आई है। मैंने कहा था तो? वैसे कुछ लोगों को पता ना हो तो मैं बता दूं, हम लोगों ने लव मैरिज जरूर की है, पर हम लोगों ने तो भाग के शादी नहीं की है। आज मैं भी बता देती हूँ कि मेरे पति के लिखे हुए कागज चाहे रद्दी में जाए या उसकी सिंचने की पूरी बन जाए,
पर वो एक बहुत अच्छे लेखक है और वो आप सब जानते हैं। हाँ हाँ मालूम है मालूम है। कैसे लेखक है? छोड़िए ना अंजलि बाबू, जाने दीजिए। अरे कैसे छोड़िए? अरे अरे हाँ हाँ एक मिनट, अरे मेरी बात सुनो। अरे अरे कोई शिस्तना की चीज है कि नहीं? अरे अरे ये अखिल सोसाइटी महिला मोर्चा, ये गोकुल धाम है, यहाँ क्या आप तीसरा विश्व युद्ध लड़ रहे हैं क्या? बताओ तो सही कि हुआ क्या है? देखिए भैया जी, अरे अरे एक एक करके बोलो भाई, तो कुछ समझ में आए। एक मिनट, बारी बारी बोलो बबीता जी। हाँ। सबसे पहले आप बोलिए, बोलिए। कोमल भाभी ने अय्यर को मेरा ड्राइवर कहा। हाँ। अरे वाह। अरे वाह, ये कोई तरीका है? ऐसा क्यों बोला आपने? मैंने ऐसा बोला ही नहीं। तुमको लवली ने ये बात बताई? हाँ, लवली ने मुझे कहा कि आपने अय्यर को ड्राइवर कहा है। मतलब लवली ने आपको ये कहा कि मैंने कहा है कि डॉक्टर हाथी की डिग्री आप चोर बाजार से लाए हो? राइट। ओह माय गॉड, इसका मतलब कि लवली, अच्छा मतलब लवली ने आपस में झगड़ा करवाया और ऊपर से पैसे भी लिए। इसका मतलब ये हुआ कि उसने हमें बेवकूफ बनाया। माता जी, ये मैंने क्या कर दिया? लवली चापली की बातों में आकर मैंने भेड़े बहन आपसे झगड़ा किया। मैंने बहुत बड़ा पाप किया है। सॉरी भेड़े बहन, सॉरी, मुझे माफ कर दीजिए। गलती मुझसे भी हुई है, आप मुझे माफ कर दीजिए। मैं बहुत भला बुरा कहा मैंने। नहीं, मुझे माफ कर दीजिए। नहीं, मैं सॉरी बोलती हूँ आपको। लवली की बातों में आके मैं भी फंस गई। बबीता, I'm sorry। बबीता जी, कमल भाभी सॉरी बोल रहे, माफ कर दो। नहीं सॉरी कमल भाभी ना बोल रहे, बबीता जी। नहीं नहीं कमल भाभी, I'm also very sorry। खामोखा मुझसे भी गलती हो गई। सॉरी? आप क्यों सॉरी बोल रही हो अंजलि भाभी? आई एम सॉरी। मैं भी सॉरी। अरे बस बहुत हो गया, कितना सॉरी, लेकिन आपस रात तक सॉरी सॉरी चलता रहेगा ये तो। और भी कुछ बोलो। सही कहा जेठालाल। अरे भाई, इस वक्त जो आग आप लोगों के बीच में लगी है जिस चिंगारी की वजह से, उसके बारे में सोचो। हाँ हाँ हाँ, कठपुतली बनाकर रख दिया हमको। लेकिन मैं क्या कहता हूँ कि ये लवली का करना क्या है? अरे वो देखो लवली आ गई। एक्सक्यूज मी, प्लीज जरा स्टैंड पे लगा दा। सभी मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? कुछ गड़बड़ लगती है, कहीं मेरी आओ आओ लवली मैडम। अरे क्या हो अंजलि भाभी? ओ लवली, तुम्हारा नाम लवली नहीं, मंथरा होना चाहिए, मंथरा। करेक्ट। अरे लवली, तुमने तो वो सास बहू के सीरियल की तरह हम लोगों को एक दूसरे के खिलाफ भड़काया है। बरोबर। क्या ये माधु भाभी को क्या कहा था कि दया बहन आपको कंजूस कह रही है? और मुझे क्या कहा था? बबीता जी ने कहा है कि डॉक्टर हाथी अपनी डिग्री चोर बाजार से लेकर आए हैं। मैंने कहा था तुमसे ये सब क्या बोल रहा है मैन? ये बोली तो ऐसे बन रही है जैसे कुछ जानती नहीं है। और हम सब सहेलियां बहनों की तरह रह रही थी, हमें लड़वा दिया डाकर। क्या? देखो लवली, तुमने हम सब के साथ जो कुछ भी किया ना, बहुत गलत किया। आज से तुम्हारी छुट्टी।
जिन जिन के पैसे तुमने लिए है ना, सारे वापस कर दो। हाँ। चलो। क्या पैसा? कैसा पैसा मैं? अच्छा, तुम हमारा पैसा नहीं दे रहे, ऊपर से हमारे ऊपर इल्जाम लगाता है। अभी रुको, तुम सबको हम मजा चखाता है। अभी हम पुलिस को फोन करेगा, तुम सबको अंदर हम करवाएगा। चोरी और सीना चोरी, ये करेगी पुलिस को फोन? अरे हम करेंगे हम। हेलो पुलिस स्टेशन, पुलिस देखती हूँ। अरे ओ अमीर जादो, रहते हो बड़े बड़े घरों में और एक काम वाली के पैसे नहीं दे रहे हो। देखिए इंस्पेक्टर साहब, नहीं सॉरी मैडम, ये एक नंबर की झूठी है, ये हमारे घर में सबका झगड़े करवाती है। हाँ। अच्छा तो तुम लोग क्या बच्चे हो कि ये लड़वाएगी और तुम सब लड़ोगे? तुम लोग सब लड़ते हो मतलब कि तुम सारे झगड़ा लो? अरे नहीं नहीं कोई झगड़ा लू, हाँ ये भीड़े झगड़ाड़ू है हम। अरे ये झगड़ा क्या बात कर रहे हो, मैं कहाँ झगड़ा करता हूँ? एक मिनट रुको, तुम इस सोसाइटी में कोई भी झगड़ा लू नहीं है इंस्पेक्टर साहब। मैडम हाँ हाँ सॉरी मैडम, कोई झगड़ा लू नहीं है इधर। ये लड़की सारे घर वालों से पैसे ऐंठ चुकी है, हम सभी के आगे एक दूसरे की बुराई करती थी, ये एक नंबर की झूठी है। लवली तू बता पहले क्या बात है? दरअसल बात ये है मैडम कि ये जो चश्मे वाला है ना, ये हमको छेड़ता है मैडम। ले जाओ इसे। ये कुर्ते वाला, ये तो शिक्षक है, तो उसे लेके जाओ। जेठालाल चुप रहो, माधवी आई शपथ ये झूठ बोल रही है। मैं आपको बरोबर जानती हूँ, आप ऐसा कभी नहीं कर सकते। मैडम ये लड़की झूठ बोल रही है। हाँ हाँ इंस्पेक्टर साहब, ये बिल्कुल सच है कि ये ऐसा नहीं कर सकते, बोलो ना जेठालाल। मैडम मैडम नहीं नहीं मैडम, ऐसी बात नहीं है, अगर ये झूठ होता तो ये रोज हमारा स्कूटी को स्टैंड लगाने के लिए भाग कर क्यों आता? अरे वो तो मैं ऐसे हम एक शरीफ औरत है, आप बोलो एक शरीफ औरत इस तरह का इल्जाम लगाएगा? बोलो मैडम, हम सच बोलते हैं मैडम। झूठ बोल रही है माधवी। ले चलो इन्हें। अरे नहीं मैं क्या बात कर रही हूं, आओ आप क्या कर रही है आप? अरे अरे हाँ हाँ अरे मैडम मैं गुनेगार नहीं हूँ, जाता हूँ मैडम, डंडो मत मारिए। सब चश्मे वाले ऐसे ही हैं। क्या मतलब? मतलब कुछ कुछ चश्मे वाले। इन लोगों को समझाइए ना, ये ऐसा कभी आप नहीं कर सकते। मत घबराइए, मैं बात करता हूँ। मैडम व्हाट आर यू डूइंग? आप कौन? मैं तारक मेहता हूँ मैम, और मैं एक पत्रकार हूँ और क्रिमिनल लॉज बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। आपने बिना किसी सबूत के भिड़े को पकड़ लिया है, और कल FIR लॉज होने के बाद जांच में आपको पता चला कि वो बेगुनाह है, तो क्या आप मानहानि का मुकदमा सहन करने के लिए तैयार होंगे? आपने इसके कहने से उसे पकड़ लिया, अब हमारे कहने से जरा इससे ये तो पूछिए कि इसने हमसे पैसे ऐठे हैं या नहीं, पूछिए जरा। सच सच बोल, तूने पैसे लिए? नहीं मैडम नहीं, ये सब झूठ बोल रहे मैडम, मैंने नहीं लिया पैसा। मैडम ये झूठ बोल रही है अभी भी। सच सच बता, तूने पैसे लिए कि नहीं? नहीं मैडम नहीं। ऐसे तो नहीं बोलेगी ना, दो चार दिन हवालात की हवा खाएगी ना, सब सच बाहर निकल आएगा। बोल बोल। पता था मैडम, पता था। हाँ, हमने लिया पैसा। देखा मैम, मैं आपको क्या कह रहा था, आखिर सच आ गया ना सामने। हाँ। अब इससे ये भी पूछिए कि मास्टर भिड़े ने इससे छेड़छाड़ की है या नहीं।
बोल जवाब दे, उन्होंने तुझे छेड़ा था कि नहीं, बता। नहीं मैडम, हमको नहीं छेड़ा, वो तो बहुत शरीफ आदमी है। लेके जाओ इसको। चलो चलो चलो। चल चल और मैडम हमारे बात करो। चल 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 खुद ने फोन किया। ये मेहता साहब, ये लवली को हमारी सोसाइटी में लाया कौन था? जेठालाल वैसे न पूछो तो ज्यादा बेहतर है। नहीं नहीं, मैं तो पूछूंगा। अच्छा तो फिर सुनो नट्टू काका। अब चलिए। कहाँ चलना है? ओफो, फिर से नई नौकरानी जो ढूंढनी पड़ेगी। हाँ हाँ, वो तो मिल ही जाएगी, पर अब ये जो काम बढ़ गया है उसका क्या होगा? अरे दया भाभी, उसमें फिक्र करने की क्या जरूरत है, है ना? तुम मेरी तरफ क्यों देख रही हो? क्योंकि काम आया भाई तुम्हारे पास। अच्छा तुम बीजी हो गए, बीजी है? वैसे जेठालाल, इसमें थोड़ा सा संशोधन कर लो। आ? अकेला भिड़े नहीं, हम सब मर्द बिजी हो गए, सबको घर का काम करना पड़ेगा। चलो पुरुष काम वाली भाइयों, चलो। रुक्मिणी चली गई थी। वो मैं ही बताता है मैडम। वो बात दरअसल ये है कि हम लोग दोनों गांव तो चले गए, लेकिन उधर ये आखा दिन तुम ही लोगों को याद करती थी। मैडम लोग क्या करती होंगी, मैडम के घर का काम हुआ होगा कि नहीं, बहुत फिकर करती थी तुम्हारा। मैडम लोग ने नवीन भाई को रखा होगा कि नहीं, मेरे से इसका परेशानी देखा नहीं गया, इसलिए हम दोनों ने मिलकर नक्की किया कि परत मुंबई चलते हैं। हाँ भाभी जी, इसलिए इन्होंने लोन पे रिक्शा खरीदी, अब ये यहाँ पे रिक्शा चलाएंगे। रुक्मिणी, सोसाइटी कंपाउंड में रिक्शा चलाना अलाउड नहीं है। ए भिड़े। अरे भिड़े साहब, यहाँ मतलब मुंबई में। हाँ। और मैं आपके यहाँ काम करूंगी, वो तो चलेगा ना? तो ठीक है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा रुक्मिणी, अब कल से काम पे आ जाना। अरे तो या भाभी, कल से क्यों, मैं तो आज से काम पे आऊंगी। तो फिर पहले मेरे घर पर ही आ जाना। नहीं नहीं रुक्मिणी, मेरे घर पे, पहले मेरे घर पे, मेरे घर पे। अरे मुझे तो काम नहीं है। आऊंगी आऊंगी, सबके घर आऊंगी। वो कहते हैं ना, एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। वाह लवली वाह, कमाल कर दिया तुमने। गोकुलधाम सोसाइटी की तमाम महिलाएं जो बहनों से बढ़कर रहती थी, उन सब के दिल के अंदर तुमने थोड़ी थोड़ी चिंगारी भड़का दी, और वो सब भी भड़क उठी। ये तो भला हो कि समय रहते उन्हें ये एहसास हो गया कि ये सब कुछ गलत है, और ठीक ठाक हो गया सब कुछ। सबसे ज्यादा भलाई है आपस में मिलकर रहने में। आइए हम सब भी मिलकर रहें, क्योंकि मिलकर जो इस देश को हम दे सकते हैं वो और कोई नहीं दे सकता। हमारी एकता ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। इधर सोसाइटी में भी लौट आई है रुक्मिणी। रुक्मिणी के आने से सबके चेहरों पे आ गई है मुस्कुराहट। इधर मुस्कुराहट, उधर ठहाके तारक मेहता का उल्टा चश्मा। हेलो दोस्तों, अगर आपको तारक मेहता का उल्टा चश्मा के अपडेट्स सबसे पहले चाहिए तो जाइए हमारे YouTube चैनल पर और सब्सक्राइब कीजिए।